नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बिहार में नीतीश कुमार ने जब से महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, मानो फिर से एक बार बिहार में जंगलराज की वापसी हो गई है। आए दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने में सरकार के साथ ही प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि पहले पटना, फिर बेगूसराय, तो अब भागलपुर में खूनी खेल को अंजाम दिया गया। देखिए रिपोर्ट। बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था की इन दिनों पोल खुल गई है। सुशासन बाबू जब से महागठबंधन के साथ सत्ता में आए हैं, मानो अपराधियों ने भी सत्ता पर कब्जा जमा लिया। आए दिन ये दुर्दांत अपराधी बिहार में खूनी खेल का तांडव खेल रहे हैं, जहां राजधानी पटना से लेकर बेगूसराय, फिर भागलपुर में एक के बाद एक कई हत्याकांड को अंजाम दिया है। बता दें कि पहले बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां दिन दहाड़े एक सब्जी बेचने वाले की बेटी को गोली मार दी गई थी। दरअसल जिस वक्त छात्रा को गोली मारी गई, उस वक्त वो कोचिंग से लौट रही थी, जिसका इंतजार हमलावर पहले से ही कर रहा था। कहा जा रहा है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसके बाद ये दिल दहला देने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये पूरा मामला बेउर थाना क्षेत्र के सिपरा के इंद्रपुरी मोहल्ले का है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर छात्रा के पास आने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही छात्रा हमलावर के आगे से गुजरी, उसने पीछे से गोली मार दी और वहां से तुरंत फरार हो गया। बेगूसराय में भी खूनी खेल। वहीं दूसरी घटना बेगूसराय की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बीच सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। दरअसल बेगूसराय में मंगलवार की शाम को करीब 5:30 बजे दो बदमाशों ने नेशनल हाईवे 28 पर चार थाना क्षेत्रों में जमकर खूनी खेल खेला। इस दौरान बदमाशों ने 10 लोगों को गोली मारी, जिसमें से 31 साल के चंदन कुमार की मौत हो गई, तो वहीं करीब 30 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बदमाश गोलियां बरसाते रहे और जो भी सामने आया उसे निशाना बनाते हुए चार थाना क्षेत्रों से गुजरे। लेकिन पुलिस ना तो वारदात के दौरान उन बदमाशों को रोक पाई और न ही उनका कोई सुराग निकाल पाई है। भागलपुर में कारोबारी को बनाया निशाना। वहीं बेगूसराय में फायरिंग की घटना के बाद अब भागलपुर में भी बेखौफ अपराधियों ने एक कारोबारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। ये पूरा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत केवीलाल रोड स्थित स्वर्णकार दुर्गा स्थान के पास की है। बताया जा रहा है कि सिल्क कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद अफजाल दुकान के अंदर बैठा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जहां गोली लगने से कारोबारी की मौत हो गई, तो वहीं मृतक की पहचान मोहम्मद अफजाल के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए आखिर नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार कब बड़ा कदम उठाएगी। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार के साथ ही पूरा पुलिस प्रशासन भी इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है।